एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार से सामने आ रही ये तस्वीर हैरान करने वाली है। हम बात बिहार के सीतामढ़ी की कर रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। पड़ताल में सिर्फ 3 प्रखंडों रून्नीसैदपुर, डुमरा, रीगा स्वास्थ्य केंद्रों से 30,000 लोगों के मोबाइल नंबर फर्जी मिले, जिनके मोबाइल नंबर की जगह 000 और 111 लिखा हुआ है। इस कोरोना जांच किट घोटाले के सामने आने से जिले में हड़कंप मच गया है। जिले में कुल 3,63,000 कोरोना जांच हुए और सिर्फ 3 प्रखंडों के उठाए गए आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 30,000 लोगों के गलत आंकड़े दिए गए हैं। कोरोना एंटीजन किट की कीमत शुरुआती समय में 3500 के आसपास थी, लेकिन बाद में किट की कीमत बाजार में 900 रुपए हो गई। पूरे जिले में अगर 1,00,000 फर्जी कोरोना जांच का भी अनुमान लगाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। रून्नीसैदपुर प्रखंड में रैपिड एंटीजन किट घोटाले के बारे में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी अमृत किशोर से पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नंबर उपलब्ध नहीं कराए इसकी जगह ऐसा हुआ है। आप खुद सुनिए अमृत किशोर ने क्या कहा। कोई बात नहीं, जांच तो हर एक प्रश्न का ही हुआ है, और जिस आदमी का मोबाइल नंबर नहीं जिसने दिया उसी का लगता है लोगों ने 00 कर दिया। बहुत लोग का मोबाइल नंबर नहीं था, अभी भी तुरंत आउटर में आपको देखें, आउटर में एक पेशेंट बोल रहा था कि मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तुम क्या दे? तो हम उनको बोले हैं कि अब बेटा का, बेटी का, बहू का, जिनका जो घर में या आपके बगल बगल का जिनका जो नंबर दे दीजिए तभी होगा। तो बोल रहे हैं कि आज ही कराएंगे, करते हैं। सर, जैसे एक आनंद बिहारी सिंह नाम का आदमी है, उनका जांच मोरसंड में कभी हुआ ही नहीं और उनका बाइट भी आया है, तो क्या ये कैसे हो गया सर? उनका जांच सिर्फ डुमरा और रीगा में हुआ, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। हम या हमारे यहाँ जो भी हुआ तो मेरे यहाँ तो रिकॉर्ड है जी, उसका ऑन पेपर रिकॉर्ड है जी। अगर आपका ऑन पेपर रिकॉर्ड में सर उसका नाम नंबर ये तो फिर कैसे ऐसा नहीं हो सकता है? मेरा घर डुमरा में पड़ता है, हम कभी उन्नीस सड़कों में जांच कराने आए नहीं। तो दूसरा सर, मोशन कभी हम जन्म से लेकर आज तक कभी गए ही नहीं, तो फिर मोशन में मेरा एड्रेस दिखा रहा है, मेरा नंबर और नाम मिला है, तो वही तो हम आपको बता रहे हैं। उधर इस घोटाले की बात सामने आते ही राजद भी हमलावर हो गया है। पूर्व सांसद सर राजद के वरीय नेता अर्जुन राय ने इस बड़े फर्जीवाड़े को लेकर जिले के सभी अधिकारियों को घेरे में लिया है। पूर्व सांसद ने बताया कि जिले में कोरोना जांच घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ और स्वास्थ्य विभाग के महकमे के सिविल सर्जन राकेश चंद्र सहाय वर्मा अपने घोटाले पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। पूर्व सांसद ने इस घोटाले को लेकर आंदोलन करने तक की बात कह डाली है। चाहे जिला के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हो, सिविल सर्जन हो, उस विभाग के अफसर हो, नोडल पदाधिकारी हो या नीचे के हो, सबने मिल करके ये इस लूट को अंजाम दिया है। कोई एक इसमें बच नहीं सकता है, और सबसे बड़ी भूमिका इस विभाग की है, विभाग के मंत्री की है, सरकार की है, बिहार के सरकार के मुखिया का है कि इतना बड़ा लूट हो सकता है क्या? 2% 4% कहीं गड़बड़ी अगर है तो उसकी जांच करके नीचे वाले पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये इस तरह का 30,000 लोगों का फर्जी आ रहा है 3 ब्लॉक में, और भी ज़्यादा होगा, ये तो हमने पता लगाया, और भी होगा जब पूरा जांच होगा तो पूरा लाख में होगा, 4 लाख में हो सकता, 2 लाख फर्जी हो, 3 लाख फर्जी हो, बड़ा तो ये बड़ा नहीं, इससे बड़ा मामला कुछ हो नहीं सकता है। और लोगों के जीवन रक्षा, कोरोना इस तरह का पैंडेमिक है कि लोग कोरोना के भय से पूरा देश और दुनिया त्रस्त है, भयभीत है, जानलेवा या वायरस है, और इसमें इस तरह का फर्जीवाड़ा करना, मैं समझता हूँ यह किसी भी दृष्टिकोण से क्षमा योग्य नहीं हो सकता है, और इसके लिए हम लोग पार्टी लेवल पर जनता के बीच जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे जब तक इन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है।